किसके? ये है ट्रांसमिशन यानी गियर बॉक्स, ठीक है। इसमें याद कर रहा हूँ किसान, ये जो शाफ्ट लगी है यहाँ से दिखाना, ये जो शाफ्ट लगी है ये गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट है। क्या है? इनपुट शाफ्ट है, या इसको बोलते हैं प्राइमरी शाफ्ट। इसके साथ ये जो लगा हुआ है ये है रिलीज बेयरिंग या थ्रस्ट बेयरिंग। ये किसमें चल रहा है? एक ये हब है, क्लच हब, ठीक है। और ये आगे पीछे जाता है इस फोर्क की मदद से। ये फोर्क का लिंक रहता है क्लच पैडल के साथ, ठीक है। यहाँ दिखा, यहाँ एक बॉल है, ये इस बॉल पे, ये जिसमें मेरी उंगली है, ये इस बॉल पे, इस फोर्क में यहाँ पर एक निशान, ये जगह है, इस जगह पर ये बॉल आनी चाहिए, ठीक है। फिट करते समय की ये सावधानियाँ हैं। और फिर ये क्लच ये रिलीज बैरिंग में लगेगा, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगेगी, वो स्प्रिंग यहाँ टाइट होगी ताकि जब क्लच पैडल छोड़ देंगे तो वो स्प्रिंग इस रिलीज बैरिंग को पीछे खींच देगी। तो ये जो शाफ्ट है प्राइमरी शाफ्ट, वही ये शाफ्ट भी है, क्योंकि ये टूट गई है इसलिए ये रिप्लेस हुई है, ये इसका दांता टूट गया है। इसमें देखेंगे ये एक्सटर्नल स्प्लाइंज है, क्या है? एक्सटर्नल स्प्लाइंज। ये है क्लच प्लेट, क्लच फ्रिक्शन प्लेट। क्लच कितने टाइप के होते हैं? क्लच दो टाइप के होते हैं, एक फ्रिक्शन क्लच और दूसरा फ्लूइड फ्लाई व्हील। क्लच का काम क्या है? क्लच एक मैकेनिज्म है जो कि एक शाफ्ट की घूर्णन गति को दूसरी शाफ्ट को जब चाहें तब ट्रांसमिट करेगा, जब नहीं चाहेंगे तब ट्रांसमिट नहीं करेगा। एक शाफ्ट की घूमती हुई शाफ्ट से हम इसको चला सकते हैं परमानेंट जॉइंट लगा के, पर क्या होगा, वो एक ही स्पीड में जैसे जो इंजन की क्रैंक शाफ्ट चलेगी उसी में फिर गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट भी चलेगी, परंतु हमें डिफरेंट गियर रेशियो चाहिए। जब वाहन को, खड़े वाहन को चलाना है तो उसमें ट्रैक्टिव एफर्ट के लिए सबसे ज़्यादा पल चाहिए, तो वहाँ पर नंबर एक गियर लगाया जाता है। फिर जब पहियों को घूर्णन मिल जाता है तो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड व्हील और वाहन का जो संवेग संरक्षण होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके कारण एक हमें एक गति मिल जाती है। तो अब सेट से सेकंड नंबर का गियर लगाया तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाएगी, फिर जैसी स्पीड और बढ़ेगी थर्ड गियर लगा दिया, फोर्थ का लगा दिया, प्लेन रोड है तो फिफ्थ लगा दिया, मगर वो स्पीड के अनुसार होगा, ठीक है। 5 से 10 तक एक्सीलेटर दबा के फट से सेकंड गियर डाला, उसमें 20 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड में चल सकती हूँ। फिर जैसे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ गई स्पीडोमीटर में, कट से तीसरा डाल दिया, उससे आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक चल सकते हो। 40 से ज़्यादा चलना है, रोड खुला है, हाईवे है फर्स्ट क्लास, तो एक्सीलेटर को थोड़ा और दबाया, 45 किलोमीटर की स्पीड जाते ही कट से चौथा लगा देना, उसमें आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 60 से 80 फिर फिफ्थ गियर पर ओवर ड्राइव, ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। अब इस क्लच प्लेट को देखो, ये वाली जो सरफेस है ये फ्रिक्शन सरफेस है। क्या है? फ्रिक्शन सरफेस। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण, ये घर्षण कर रही है इसके साथ, इस फ्लाईव्हील के साथ। ये फ्लाईव्हील कहाँ फिट है? क्रैंक शाफ्ट की रियर एंड में, पिछले सिरे में, क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड में फिट है। और इंजन में जो पावर, पिस्टन चल रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, जो भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन बन रहा है उसको क्रैंक शाफ्ट रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्रैंक शाफ्ट के रियर एंड में अंदर, अभी हम इसको खोलेंगे, फिर इसके अंदर एक स्पीगट बेयरिंग होता है। क्या होता है? स्पीगट बेयरिंग। उस स्पीगट बेयरिंग में इस प्राइमरी शाफ्ट का ये वाला हिस्सा सेंटर लाइन, तभी तो ये गियर बॉक्स के सेंटर के साथ इसका सेंटर मिलेगा। ये इस तरह से इसमें फिट होती है, अब क्या है इस फ्रिक्शन प्लेट के बारे में पहले चलते हैं।
ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है क्लच का हब। क्या कहलाता है? क्लच हब। यहाँ भी इंटरनल स्प्लाइंजें हैं। ये कैसे स्प्लाइंजें हैं? इंटरनल स्प्लाइंजें हैं। जब अंदर गियर कटे हुए हैं, ये आंतरिक गियर है, ये इसके एक्सटर्नल स्प्लाइंज के साथ मैच होता है। अब ये क्लच प्लेट घूमेगी तो ये साफ भी ठीक है। ये फ्रिक्शन सरफेस एक तो यहाँ फ्लाईव्हील के साथ टच है और इसका जो दूसरा सिरा है ये प्रेशर प्लेट के साथ टच है। ये कंप्लीट असेंबली को प्रेशर प्लेट बोल देते हैं, बट एक्चुअल प्रेशर प्लेट क्या है? ये हाई टेंशन स्प्रिंग है। ये फिंगर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फिंगर्स। ये तीन फिंगर हैं। आजकल की एक पूरा एक और वहाँ प्रेशर प्लेट पड़ी है, उठा के ले जल्दी से सफा की। आजकल की डायफ्राम टाइप की प्रेशर प्लेट में इनमें फिंगर हाइट एडजस्ट सही नहीं हो पाती। देख रहे हो ये फिंगर ज़्यादा उठे हुए हैं, ये दबा हुआ, तो ये एडजस्टमेंट ही यहाँ से होती है। इसको एडजस्ट करेंगे हम बाद, इसको एडजस्ट करके इन्हें बराबर। एक प्रेशर प्लेट है इस तरफ, ये टाटा सफारी की प्रेशर प्लेट, इसके भी ये एक्चुअल प्रेशर प्लेट है, ये जो फ्लाईव्हील के साथ मैच होती है। ये क्या है? ये डायफ्राम है इसका और ये फिंगर्स हैं। ये देख रहे हैं यहाँ यहाँ रिविट हुए हैं, ये परमानेंट ठीक है। इसके नीचे भी ये स्प्रिंग स्टील की हाई टेंशन स्प्रिंग है ये, ठीक है। एक दो तीसरी है यहाँ ही। अब होता क्या है, जब ये रिलीज बैरिंग आगे जाता है, हम क्लच पैडल को दबाते हैं, तो रिलीज बैरिंग इन फिंगरों को दबाता है। इन फिंगर्स को दबाने के कारण ये वाली प्रेशर प्लेट पीछे को आती है। यहाँ दिखा राम किशन, ये जहाँ मेरी उंगली लगी है ये हाई टेंशन स्प्रिंग दिख रही है सर जी। ये प्रत्येक फिंगर के नीचे देखो हाई टेंशन स्प्रिंग है। एक दो और एक यहाँ होगी तीन। उसकी जगह यहाँ पर ये स्प्रिंग इस टाइप की स्प्रिंग है। इसमें सिर्फ तीन फिंगर हैं, इसमें बहुत सारे ये फिंगर्स जैसे दिखाई दे। इसको रिलीज बैरिंग आसानी से दबा देता है, कम ताकत लगती है और कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ फिंगर हाइट एडजस्ट करनी पड़ती है, मगर इसमें फिंगर हाइट एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और क्लच भी मुलायम है, थोड़ा सॉफ्ट है। जो ड्राइवर के द्वारा इस पर दबाव डाला जा रहा है, यदि यह ज़्यादा हार्ड होगी और बार बार गियर शिफ्ट करना है, वाहन को रोकना है, तब भी वाहन को न्यूट्रल करना है, तो बार बार वो क्लच दबाएगा उससे वो थक जाएगा। थकेगा तो उसके शरीर में कमजोरी आएगी, जिससे उसे नींद लगेगी और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। उन दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करने के लिए छोटे वाहनों से लगभग सबसे यह फिंगर टाइप की प्रेशर प्लेट ऑब्सोलीट हो गई, चलन से बाहर हो गई। ऑब्सोलीट हो जाना, चलन से बाहर हो जाना। अब इस टाइप की प्रेशर प्लेटें यूज होती है ताकि हल्का सा प्रेशर दबाने से ये थोड़ा सा ही प्रेशर से यह दब जाता है, ठीक है। दब जाते ही ये वाला हिस्सा पीछे आ जाता है और ये क्लच प्लेट फ्री हो जाती है। तो क्लच की दो पोजीशन होती है, एक इंगेज और दूसरा डिसइंगेज। इंगेज पोजीशन क्या है? जब क्लच प्लेट को प्रेशर प्लेट ने दबाया हुआ है और इंजन की पावर सीधे गियर बॉक्स में आ रही है, पर जब वाहन को रोकना है, गियर शिफ्ट करना है, अगर ये प्राइमरी शाफ्ट ऐसे घूमती रहेगी तो गियर शिफ्टिंग हार्ड हो जाएगी। तो जरूरी है कि प्राइमरी शाफ्ट को रोक लिया जाए ताकि इंजन की जो पावर है वो गियर बॉक्स में ट्रांसमिट ना हो। और पहिए तो थोड़ा, वो गियर तो थोड़ा मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के कारण चलते ही रहेंगे। जब भी किसी पहिए को एक चाल देते हो थोड़ा, तो ये अपनी गति से मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के कारण घूमता रहता है। इसके आगे तो गियर लगाए वहाँ तो नहीं है जाए। अगर ये फ्री चलेगा तो जब ये क्लच प्लेट खड़ी होगी तो ये साफ्ट भी खड़ी हो जाएगी।
इस पर आओ। मेन बात है क्लच ब्लेड, यह फ्रिक्शन क्लच है, यह है सिंगल प्लेट ड्राई डिस्क टाइप क्लच। किस टाइप? सिंगल प्लेट ड्राई डिस्क, मतलब ये एक ही प्लेट है और ये सूखी चलती है, इसमें किसी तरह का ऑयल वगैरह इस सरफेस पर नहीं आना चाहिए, ड्राई डिस्क है। इसके दो सरफेस हैं, एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस फिट करते समय ये बात ध्यान रखनी है। बहुत सारी गाड़ियों में इसमें लिखा हुआ रहता है, यहाँ पर या इसी के ऊपर लिखा हुआ रहता है फ्लाई व्हील साइड, ताकि मैकेनिक इसको उल्टा फिट ना करे। अगर इसमें कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है तब भी इसकी बॉडी को, इस हब को साफ करना है साफ कपड़े से, और यहाँ पर ये लिखा हुआ मिल जाएगा तुम्हें फ्लाई व्हील साइड। नहीं लिखा है मान लिया, ये भी नहीं लिखा है, तो ये क्या है? ये बड़ी सरफेस है और ये प्रेशर प्लेट को इसके साथ फिट करने के लिए, ये क्लच प्लेट इसकी नहीं है, ठीक है, ताकि ये इसके बीच में आ सके आसान। ये प्लेट है जीप की और ये प्रेशर प्लेट है टाटा सफारी की, इसकी क्लच प्लेट भी वहाँ पड़ी थी, लेकिन तुमको हर काम के लिए बार बार बोलो और फिर अपना दिमाग खराब करो। तो यहाँ ये इस वाले हब को फिट होने के लिए यहाँ जगह है, ठीक है, और ये वाली सरफेस है जो फ्लाई व्हील के साथ मैटिंग करेगी। ये टूट गई थी इसलिए ये बदली गई है। अब क्लच के एलिमेंट देखें क्या क्या है। ये दोनों तरफ हैं फ्रिक्शन प्लेट जो रिबिटों के द्वारा आपस में जुड़े। पुरानी गाड़ियों में हम क्या करते थे, इस फ्रिक्शन प्लेट को निकाल देते थे रिबिट काट के, फिर फ्रिक्शन मटेरियल लेके इसमें चिपका देते थे, मगर उससे पहले हमने इसे लेके ये ढीले नहीं होने चाहिए। अब इस हब में ये फ्लाई व्हील साइड है, ऐसे देखो ये स्प्लाइन इसलिए बने हैं ताकि ये प्राइमरी शाफ्ट के साथ मैश हो सके, इनमें किसी प्रकार की गति नहीं होती। दूसरा, ये टूटी हुई है तो दिखाने के लिए भी ठीक है, इसलिए टूटी साइड लिखा हूँ। यहाँ देखोगे ये स्प्रिंग स्टील की पत्तियाँ हैं, ये एक ही पत्ती नहीं है, ये बहुत सारी पत्तियाँ हैं, ठीक है। ये है कुशन स्प्रिंग, क्या है? कुशन स्प्रिंग, कॉपी कहाँ है? ये है कुशन स्प्रिंग, ये देखो ये कुशन स्प्रिंग इस तरह से इसी के ऊपर ये फ्रिक्शन प्लेट बैठा है। क्या काम है इस कुशन स्प्रिंग का? जब भी हम क्लच को दबाते हैं या छोड़ते हैं, छोड़ते समय स्प्रिंग की टेंशन के कारण और इसके पीछे दबाव के कारण ये फ्लाई व्हील के साथ मैच हो रही है, तो एक झटका सा पड़ रहा है। उस झटके को सहन करने के लिए कुशन का मतलब क्या, जो थोड़ा सा दब जाए। घरों में सोफे में बैठते हो तो दबता है, तो वही काम है कुशन का कि जो भी झटका पड़ता है उस झटके को ये कुशन स्प्रिंग सहन करती है। पहला क्या था इसका पार्ट? फ्रिक्शन मटेरियल, फ्रिक्शन प्लेट जो कि रिबिटों के साथ इस कुशन स्प्रिंग से होते हुए ही इसमें फिट हो गई। ये वाली स्प्रिंग, ये हाई टेंशन स्प्रिंग हैं, इन्हें कहते हैं टॉर्जन स्प्रिंग। क्या कहते हैं? टॉर्जन। टॉर्जन, टॉर्जन का मतलब मरोड़। इनका क्या काम है और क्यों लगेंगे? जब वाहन चल रहा है, इंजन चल रहा है, तो इंजन के साथ ही ये पूरी असेंबली घूम रही है, और पूरी असेंबली घूम रही है तो ये शाफ्ट भी घूम रही है, कंप्लीटली घूम रही है। अब आपने क्लच को डिसंगेज किया गियर शिफ्ट करने के लिए या वाहन को स्टार्ट हालत में न्यूट्रल छोड़ने के लिए। जब इसे दबाएंगे, क्लच को दबाया तो रिलीज बेयरिंग ने इन फिंगरों को दबाया और ये प्लेट फ्री हो गई। अब ये प्लेट फ्री हो गई, ना तो इसके ऊपर दबाव रहा प्रेशर प्लेट का, ना अब ये फ्लाई व्हील का।
किसी का नहीं, ये बीच में फ्री होगा। परंतु मोमेंटम ऑफ एनर्जिया के कारण न्यूटन का पहला नियम क्या है, किसी भी वस्तु की स्थिति में तब तक परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात जो वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी, अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहिए। ये अभी तक घूम रही थी, तुम इसे खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण ये चलने की कोशिश कर रही है। उस समय जो विपरीत बल पैदा होंगे, उन विपरीत बलों के कारण ये वाला सरफेस कहीं यहाँ टच करके, कहीं यहाँ टच करके, कहीं यहाँ टच करके, ऐसे आड़े तिरछे इस पर स्क्रैचिंग ना लगे, तो उस समय जो भी दबाव, जो भी बल पड़ेगा, उस समय ये वाली टॉर्जन स्प्रिंग, टॉर्जन का मतलब है जो घुमाव पड़ा, उस समय ये थोड़ा सा दब जाएगी और जैसे ही वो कम हो जाएगी तो सीधे से अपनी पावर को फिर फोर्स को रिलीज कर देगा, फिर अपनी पोजीशन में आ जाएगी, यानी रुकने से पहले ज़रा सा ऐसे जाए। अब जब ये बीच में फ्री हो जाती है तो अब इंजन की पावर गियर बॉक्स तक नहीं जा पाती, उस समय सड़क से एकदम से क्विक गियर शिफ्ट करना है, क्लच दबा के यहाँ से कर आगे पीछे कर, इसके यहाँ पर पोजीशन होती है, इसको आराम से यूँ, और ये पोजीशन है इसकी आगे पीछे होगी, ठीक है। तीन गियर हैं उसमें, चार, तीन फॉरवर्ड एक रिवर्स, उस पर बाद में बात करेंगे। गियर शिफ्ट करते ही धीरे से फिर हल्के हल्के से क्लच प्लेट पैडल को छोड़ दें, यानी कि क्लच दबाया, गियर डाला और फट से छोड़ दिया। कई बेवकूफ़ ऐसा करते हैं, उसी समय ये झटके पड़ते हैं और उन्हीं झटकों के कारण ये क्लच प्लेट टूट जाती है, इसके रिविट लूज हो जाते हैं, या फिर इसमें ये मैटिंग सरफेस में जगह जगह पर आड़े तिरछे निशान बन जाते हैं। जब ये रिविट दिखाई देने लगे ऊपर ऐसे, या इसमें किसी तरह की, या ये जल के काली सी दिखाई देने लगे, इसमें स्क्रैचिंग बहुत ज़्यादा हो, इसकी ये मैटिंग सरफेस में स्क्रैचिंग दिखाई दे रही है, पीछे स्क्रैचिंग दिखाई दे रही है, तो उसके बाद इसे बदली करना पड़ता है। अब ये कोई रिपेयर नहीं होती, अब ये पूरी की पूरी नई बदली जाती। उसके बाद प्रेशर प्लेट की काफ़ी सरफेसों को चेक करना होता है। पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्लच प्लेट को, क्लच प्लेट में अगर कोई घिसावट है, आड़ी तिरछी है, कोई क्रैक है, कोई रिविट ज़्यादा बाहर आ गई है, ये चेंज हो गई, फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसको ऐसे ऐसे हिला हिला के देखने की, या इसकी इन स्प्रिंगों को देखने की, ठीक है। ये एकदम नई ला के फिट करनी है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें फिट होंगी नई, इसके साथ ये प्रेशर प्लेट भी नई फिट होगी, समझ में आ गई। रिलीज बैरिंग नया फिट होगा, ये रिलीज बैरिंग को चेक करना है, इसको फ्री चाल भी देनी है, इसमें इस तरह से भी देखना है ये हब में फ्री है या नहीं है, इसके ऊपर ये निशान बने हुए हैं, ताकि अब इसके ऊपर ये निशान क्यों बने हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर क्लच पैडल फ्री प्ले नहीं था, क्या नहीं था, क्लच फ्री प्ले पैडल का जो क्लच को हम जब दबाते हैं वो करीब 15 से 30 mm तक फ्री जाने चाहिए, 15 से 30 क्यों कह रहा हूँ, छोटी कारों में ये 15-16 mm हो सकता है और बड़े ट्रकों में ये 35 mm तक हो सकता है, मगर आजकल पावर क्लच है, ठीक है, सभी में ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, अगर ये ज़रूरी नहीं होगा तो ये रिलीज बैरिंग ऐसे इसके साथ टच करेगा, और टच करेगा ये तो घूम रही है, ये रिलीज बैरिंग बर्बाद हो जाएगा, यही कारण है ये फिंगर हाइट सही ढंग से एडजस्ट नहीं होने के कारण, ठीक है। तो और फिर दूसरा क्या है, जब हम हल्का सा पैडल देंगे तो इसको एक जगह मिल जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं उसी समय सब, जब वाहन में नंबर एक गियर डाल के पहियों को घुमाते हैं उसी समय सबसे ज़्यादा ताकत चाहिए, ट्रैक्टिव एफर्ट, जहाँ पहिया एक चक्कर चल गया
तो वो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के कारण और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द व्हीकल, इसको एक गति मिल जाती है और ये चलने लगता है, फिर हम शॉर्ट से गियर शिफ्ट करते हैं। सेम चीज़ इसमें, अगर इसमें थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा ले रखी जाएगी, पहले तो ये ना तो डायफ्राम को टच करेगा ना फिंगरों को टच करेगा, और दूसरा कम फोर्स लगाने पर ही ये फिर आगे को बढ़ना शुरू करेगा और इन्हें दबाएगा, इनके दबते ही ये प्रेशर प्लेट पीछे को आएगी और ये क्लच प्लेट बीच में रिलीज होगी। मैंने दबवाया था ना देखो, फिर कहा था रुक जा क्योंकि ये फिंगर हाइट सही एडजस्ट नहीं है, इसको यहाँ देखो एक लॉक नट है और एक एडजस्टिंग नट, इससे इसकी हाइट को एडजस्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से फिर से देख लो अच्छी तरह से, ये फ्लाई व्हील, इंजन का फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील के साथ लगी है क्लच प्लेट, क्लच प्लेट को बाहर से दबाया है प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट फ्लाई व्हील के ऊपर 6 बोल्टों के साथ फिट है। इन बोल्टों को खोलते समय और बनाते समय यानी फिट करते समय बहुत सावधानी रखनी है, जो निर्माता द्वारा दिया गया टॉर्क है उतने से ही टाइट करना है, अपनी मर्जी से इस पर बैल की तरह जोर नहीं लगाना है। ये पतली चूड़ी के बोल्ट होते हैं यानी कि इनकी पिच कम होती है, यानी BSF होते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड होते हैं, हमने या मीट्रिक थ्रेड भी होते हैं तो फाइन थ्रेड होते हैं, पतली चूड़ी कहते थे, यानी 1 mm उसमें बहुत ज़्यादा थ्रेड्स हैं, चूड़ियाँ हैं, मिलते नहीं हैं आसानी से, समझ में आ गई बात। और बार बार इसमें क्लच में दबाव पड़ना है और इसने छोड़ना है, इन बोल्टों के ऊपर ही ये लगी हुई, अगर यह बोल्ट पूरे नहीं हुए, मैंने कहा एक टूट गया चल एक ही में काम चला, उस कारण से ये पूरी तरह से दबती नहीं है, उससे पूरी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्लाई व्हील की सरफेस ये सारी खराब हो जाती है। तो जब भी फ्लाई क्लच प्लेट की ओवरऑलिंग होनी है, फ्लाई व्हील को भी चेक करना है, प्रेशर प्लेट को चेक करना है, चलो प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट बदल दी, स्पीकर बेयरिंग ही नहीं बदला, जका चल जाएगा, फ्लाई व्हील सरफेस को अच्छी तरह से चेक नहीं किया, और तुम्हारी गलती से, ड्राइवर की गलती से तो ये बर्बाद हो गया था, ड्राइवर ने क्लच प्लेट टाइम से नहीं बदली, इन रिबिटों ने इस फ्लाई व्हील में स्क्रैचिंग कर दी पूरा, जैसे ब्रेक की डिस्क में देखी थी स्प्रिंग पूरी हुई थी, उसमें एक जगह बन गई थी जो बाद में मशीनिंग करके सही करी, तो इसी तरह से इसको भी चेक करना है, हल्की कटिंग है तो मशीनिंग करके काम चल जाएगा, अन्यथा फ्लाई व्हील बाहर निकालो, इसके रनआउट चेक करो, रनआउट चेक करने के लिए स्ट्रेट एज गेज लगाना है और उसके नीचे फिलर गेज डालना है, पहले बता रखा है, पिछले साल में ही बता दिया था जब सेकेंड ईयर वालों को, फिर तुम्हारा ये दोबारा हो रहा था, जब सेकेंड ईयर वालों को मैंने क्लच पढ़ाया था उसमें तुमने भी ये सारी चीज़ें बताई थी। तो फिट करते समय ध्यान देना है, ये वाली सरफेस यदि फ्लाई व्हील नहीं लिखा हुआ है तब भी ये जो बड़ी सरफेस है इसको रखना अंदर की तरफ और इस वाले को रखना बाहर की तरफ। प्रेशर प्लेट की जांच आफ्टर लंच करेंगे, यहाँ पर कैसे प्रेशर प्लेट की सरफेस को चेक किए जाएगा, स्ट्रेट एज गेज लगाना है और उसके नीचे फिलर गेज डालना है और हर रीडिंग को नोट करना है, जो मैक्सिमम है वो उसकी रन आउट हो जाएगी, ये कहीं पर कम होगी कहीं पर ज़्यादा होगी, आखिर फिर ऐसा क्यों है इसको भी देखना है कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। इंजन माउंटिंग पैड अगर खराब होंगे तो इंजन की और गियर बॉक्स की जो सेंट्रलाइजेशन है, जो अलाइनमेंट है वो खराब हो जाएगी। यदि आपके क्रॉस मेंबर के बोल्ट या ये जो गियर बॉक्स के नीचे लगा हुआ पैड है, इंजन कितनी जगह पर हिंज होता बोला था मैंने, 3 जगह पर, 2 फ्रंट और 1 बीच में, ये ज़्यादातर होगा गियर बॉक्स के नीचे वाले माउंटिंग पैड, उन माउंटिंग पैडों को चेक करना है, यदि वो माउंटिंग पैड दबा हुआ रह गया, इंजन ऊपर हो गया तुम्हारा गियर बॉक्स नीचे हो गया, भले ही वो 0.1 mm हुआ है और उसकी अलाइनमेंट पूरी खराब हो गई,
यानी कि ये जो शाफ्ट है एकदम ऐसी आनी चाहिए थी, अब ये ऐसी होगी। समझ आ गई बात बेटे? इसका जो नुकसान होगा क्लच असेंबली में तो होगा ही होगा, गियर बॉक्स में भी, ठीक है। ये चीज़ें बार बार नहीं खुलती हैं, जब भी खुलती हैं वो फिट करने से पहले प्रत्येक पार्ट को चेक करना है, ओनर को बुला लेना है, कहना देख भाई तेरा ये पार्ट वर्न आउट निकला हुआ है, ये बदलना पड़ेगा। बाद में ये ना कहना कि तुमने तुम्हारे यहाँ गाड़ी फिट करी हमने और ये और खराब हुआ। समझ भाई, एक एक पार्ट जब खुला हुआ है उसका इंस्पेक्शन करना है, उसे साफ करना है, पहले साफ करना है फिर इंस्पेक्शन करना है। समझ में आई? तो ये सारे काम कर लेना है। इट्स इनफ फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे, बाकी काम आफ्टर लंच।